हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईजीएमएस पटना में जो कोर्सेज होती है पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग की, उसकी फ़ी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफर्म नहीं आइडिया अबाउट दैट। मैंने फ़ी बता रखी थी लास्ट के दो वीडियो में, तो इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे दैट की फ़ी किस कॉलेज की, मतलब जो आईजीएमएस पटना की है, कोर्सेज वाइज फ़ी क्या रहने वाली है 2024 में भी, एंड हॉस्टल चार्ज क्या लगेगा वो भी यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टोटल सीट्स है ना अराउंड आईजीएमएस पटना में, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। जेएनएम के लिए 50 है एंड बीएससी नर्सिंग के लिए 50 है एंड अराउंड पैरामेडिकल के लिए 50 है, तो 150 सीट्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो सीट्स है वो 150 के पास पास सीट्स है, और इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाती है। मैंने ऑलरेडी कट ऑफ की एक 16 मिनट की वीडियो बना रखी है, तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और उसमें मैंने बताया दैट की कट ऑफ कितना रहने वाला है इस बारी का और पिछले बारी का कितना था। ठीक है, तो जैसे ही आप आईजीएमएस को सबमिट करते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको नहीं पता दैट कि आईजीएमएस में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहता है जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो 1500 है जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो ना आईजीएमएस पटना के ऑफिस में, अगर आप नहीं जा पाते हो कॉलेज, तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट कर सकते हो, एंड अगर आप कॉलेज विजिट कर पाते हो तो आप बढ़िया है। देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दैट की जो एड्रेस है वो डीन ऑफिस रहना चाहिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना, जो कि ये एड्रेस है। और आप चाहे तो स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के थ्रू आप सेंड कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी सीन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म का सैम्पल मैं दिखा दूंगा आपको जैसे ही काउंसलिंग का नोटिस आएगा, तो अगर आप अच्छे से फॉर्म फिलिंग नहीं करते तो रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो मेक श्योर आप हमारा काउंसलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ओनली 200 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो किसकी किसकी काउंसलिंग हो रही है एंड किसके किसके बाकी है, तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जस्ट 200 रुपीज़ पे करना है आपको, एंड आप आईजीएमएस के लिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा ना, उसमें आपको हम लोग मेंटरशिप करेंगे एंड गाइड करेंगे दैट कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसको कैसे सेंड करना है। ठीक है, इवन आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट एरर आता है तो उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक आपका रेसिडेंशियल में कोई डॉक्यूमेंट एरर आया हुआ या फिर जो भी आपका है, ठीक है, तो उसमें भी सपोर्ट करेंगे एंड उधर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे हम लोग आपको कॉल कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है बीएससी नर्सिंग का और बीएससी पैरामेडिकल का। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे आपका सीट अलॉटमेंट होता है ना, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए विजिट करना होता है, मतलब कि मेन जो है ना एप्लीकेशन जैसे अलॉट होता तो उसके आपको कॉलेज जैसे अलॉट होगा आपको पता चल जाएगा वेबसाइट में। ठीक है, मेरिट लिस्ट उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये वाला फॉर्मेट लेके जाना होता है आपको कॉलेज, जिसमें यहाँ पर आपका फोटोग्राफ नेम, और इसी में आपको फ़ी के बारे में बताया गया और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बताया गया दैट कि कितना आपका सिक्योरिटी फ़ी लगेगा। ठीक है, जो भी कोर्स अलॉट होता है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रोल नंबर, मेरिट का सीरियल नंबर, कैटेगरी, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कौन सा कोर्स अलॉट हुआ, यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली फील्ड हुआ दैट बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, नेम अपना लिखना है, उसके बाद जो भी कोर्स है यहाँ पर उस मेरिट का सीरियल नंबर पढ़ना है, तो वो फिल करके आपको फिर से जाना पड़ेगा कॉलेज और वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। दिस इज़ द फाइनल स्टेप एंड दिस इज फाइनल फाइनल क्या कहते हैं फॉर्म है ये। ठीक है, ये फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा आपको एंड आफ्टर दैट विजिट करना है। ठीक है, तो फ़ी के बारे में बात कर रहे थे दैट कि फ़ी कितने रहने वाली है बीएससी नर्सिंग की, तो वो बता देता हूँ, कॉलेज फ़ी कितने रहने वाली है वो बता देता हूँ। ठीक है, देख लो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड भी यहाँ पर है, मुझे इससे पूर्व संस्थान के बॉन्ड के संबंधित नियम की जानकारी विस्तार पूर्वक बता दी गई है, जिसके अंतर्गत इस सत्र के दौरान कभी भी नामांकन रद्द करवाने की स्थिति में मुझे पूरे कोर्स का फ़ी 25,000 रुपये दंड के रूप में चुकाना होगा। मतलब कि अगर आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज लीव करते हो ना, तो 25,000 आपको फाइन लगेगा। अगर आपको कभी भी, मतलब 4 ईयर के अंदर कभी भी कोर्स को लीव करते हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो या फिर जेएनएम हो, कोर्स को लीव करते हो 25,000 आपको फाइन लगेगा, पेनल्टी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर साइन करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं फ़ी का क्या रहने वाला है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का देखो, फर्स्ट ईयर का जो फ़ी है ना वो कुछ इस तरीके से है, जनरल और ईडब्ल्यूएस और बीसी और ईबीसी के लिए 50,000 रुपये फर्स्ट ईयर का फ़ी है। ठीक है, ट्यूशन फ़ी है,
और SC ST के लिए 50,000 यहाँ पर दोनों के लिए सेम है। बट हम लोग फाइनल यहाँ पर देखेंगे दैट कि फाइनल फी क्या है यहाँ पर। जनरल और OBC EBC और BC के लिए 72,200 है फर्स्ट ईयर का फी, ठीक है, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट है तो 72,000 आपको फी फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा। फिर उसके SC ST के लिए 66,000, BSc नर्सिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि 72,000 आपको एक साल में आपका कॉलेज फी रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग 72 x 4 करते हैं ना, तो 2,88,000 कुछ कुछ आपका काउंसिल, मतलब ये BSc नर्सिंग का लगेगा, 2.8 लाख, ठीक है, 2.8 लाख फॉर जनरल OBC BC BC1, ठीक है, और EBC के लिए। वहीं अगर SC ST की बात करें ना, तो 66 x 4 करें ना, तो 2,64,000, तो 2.6 लाख आपको पड़ेगा IGMS में, ठीक है। तो ज़्यादा फी नहीं है ये, बिकॉज़ ये सेमी गवर्नमेंट है, और कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस भी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलेगा। पैरामेडिकल का बात करते हैं, पैरामेडिकल में जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं, BPT हो गया, एक्सरे टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसका भी फी यहाँ पर मैंसनड है, 68,200 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में। तो जनरल के लिए, EWS के लिए, BC के लिए, OBC के लिए, तो 68,000 मतलब कि 2,72,000 में आपका कोर्स पैरामेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बॉयज़ कैंडिडेट हो और पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा रेगुलर अपडेट इवन सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर SC ST के लिए जो फी है ना पैरामेडिकल में, वो 62,000 है, ठीक है। तो 62,000 है, 4 साल में आपको फी कितना लगने वाला है, 2,48,000, ठीक है। तो ये रहने वाला है पैरामेडिकल के लिए। और जो लोग GNM करना चाहते हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो उसका फी देख लो, 36,000 है जनरल OBC EBC BC के लिए। तो 36,000 है तो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 36,000 में आपका 3 साल करना है, ठीक है, 3 साल आपको यहाँ पर पे करना 36,000, तो 1 लाख में आपका कोर्स यहाँ पर ना कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप जनरल DBC BC से हो तो। और अगर आप SC ST हो ना, तो आपको कितना फ़ी लगेगा, 99,000, ठीक है। तो 99,000 के पास पास आपका फ़ी लगने वाला है अगर आप GNM करना चाहते हो। तो ये फी स्ट्रक्चर BSc नर्सिंग का, पैरामेडिकल का और GNM का पटना के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे। कैसे आपको फ़ी पे करना है वो भी बता दूंगा मैं, कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दूंगा, बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो हॉस्टल चार्जेस भी हैं, जिसको इसको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है, जो लेना चाहते हो IGMS कैंपस के अंदर, अगर अगर सीट मतलब ब्लैंक रहा हॉस्टल का, तो ठीक है। तो 20,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, ठीक है, मतलब कि पर ईयर का, BSc नर्सिंग हो या फिर GNM का ही। पैरामेडिकल में हॉस्टल के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे दैट कि पैरामेडिकल को हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिलता है, आपको बाहर में रूम लेके या फिर खुद का रूम अकोमोडेट करके आपको रहना पड़ेगा, जहाँ पर आप खुद से खाना भी बना सकते हो, तो फिर मेस भी ले सकते हो, ठीक है। तो हॉस्टल फी कितना है, 20,000 पर ईयर, ठीक है। एग्जामिनेशन फी आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मेंशन कर दिया जाएगा। TLD बेस्ड चार्जेस विल बी 600 पर ईयर वेयर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है, जब भी TLD फी लगेगा तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली उनके लिए है जिसका काउंसिलिंग में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, उन लोगों के लिए नाम भरना है, मेरिट में सीरियल नंबर भरना है, कैटेगरी भरना है, फिर यहाँ पर एडमिटेड के लिए कोर्स भरना है, मान लिया आपको BPT मिला है, फिर BSc नर्सिंग मिला, वो फिल करना है, और 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होगा कॉलेज जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद एडमिशन को कंफर्म करने के लिए 10,000 within 2 days आपको फिल करना है डिमांड ड्राफ्ट, एंड उसके बाद फर्दर एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको फ़ी पे करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर, वो आप चाहे तो 1 साल में कभी भी पे कर सकते हो, ठीक है। वो सारे रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे आप कॉलेज विजिट करोगे तो, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन, ठीक है, इसी के अंदर अटैच रहता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, ठीक है, यहाँ पर नेम भरना है, एज भरना है, डेट ऑफ बर्थ ज्वाइनिंग, ये सारे बता देंगे हम सारे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करना था, तो मैंने बता दिया, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज गोइंग हियर। एंड अगर आप इस फी को पे करने के लिए कन्फर्म्ड हो, देन आप ज्वाइन करना, अदरवाइज ज्वाइन मत करना। आपका नीट का मार्क्स कितना भी हो, 200+ हो या फिर 150 भी हो ना, तो आपको कॉलेज दिलवा मतलब मिल जाएगा, ठीक है, और इवन हम लोग भी ट्राई करेंगे दैट के दिलवाने का। तो आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।